आप ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ तरीका इंप्लीमेंट करो, ऐसी कुछ प्रैक्टिस करो कि आपको कोई मानसिक बीमारी लगनी ही नहीं चाहिए। हमेशा अपने आप को बहुत ही मजबूत बताना है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बताना है खुद के माइंड को। छोटा सा काम है, छोटा सा प्रैक्टिस है, बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन ये छोटा सा प्रैक्टिस आपको जिंदगी भर के लिए बहुत स्ट्रांग, पावरफुल, मजबूत बना के रखेगा। अगर मानसिक बीमारियां लगती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, तो इसका भी इलाज हो जाता है। हाँ, दवाई में होता नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ थेरापी से, अलग अलग प्रैक्टिस से, एनएलपी से, सीबीटी से कोई भी मानसिक बीमारी का इलाज हो ही जाता है, पूरी तरह से ठीक होता है। लेकिन हम तो इससे आगे ही बात कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ तरीका इंप्लीमेंट करो, ऐसी कुछ प्रैक्टिस करो कि आपको कोई मानसिक बीमारी लगनी ही नहीं चाहिए। चाहे दुनिया में कितनी भी मानसिक बीमारी फैल जाए, कितने लोगों को डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी लग जाए, फोबिया हो जाए, आपको कुछ लगना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि मानसिक बीमारी क्यों लगती है? व्यक्ति लंबे समय नेगेटिव थिंकिंग में रहता है, नेगेटिव एहसास में रखता है, इसका आत्मविश्वास टूटता है, तो मानसिक बीमारियां लगती हैं। तो सबसे पहली जरूरत है कि हमें हमारी सोच को नियंत्रित करना है। हमारी सोच जो बार बार नेगेटिव हो जाती है, हम नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देते हैं, हमारा फोकस चला जाता है, वो सब चीज़ें हमें रोकनी होगी। अब रोकने का तरीका क्या है? इसके लिए सिंपल प्रैक्टिस है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, जो आपको बताया गया है। 4 सेकंड में सांस भरनी है, 4 सेकंड सांस रोकनी है, और 4 सेकंड में सांस को खाली करना है। ये इतना ही आसानी से क्या हो जाएगा? ये छोटा सा प्रैक्टिस है, आसान प्रैक्टिस है, लेकिन जो भी व्यक्ति कोई समस्या से ग्रस्त है, जो भी व्यक्ति कोई सोच से ग्रस्त है, जिसका भी थिंकिंग सही नहीं चल रहा है, मानसिक रूप से अशांत है, नेगेटिव है, दुखी है, परेशान है, गुस्से में है, तो उसको सबसे पहले ये प्रैक्टिस करना है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। इससे उसका मन रिलैक्स होगा, हल्कापन महसूस करेंगे, थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव होगा और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो ये पहला प्रैक्टिस है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। दूसरा प्रैक्टिस होता है अफर्मेशन प्रैक्टिस। कोई भी समस्या आती है आपकी लाइफ में, कोई भी समस्या आती है तो आपको नेगेटिव बना देती है, आपको कमज़ोर बना देती है, आपको बिखेर देती है। इसके लिए खुद को ही खुद की मदद करनी है। अब खुद की मदद कैसे करेंगे? तो इसके लिए खुद के बारे में बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, यानी कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी समस्या का सामना कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं भिड़ सकता हूँ, कोई भी समस्या के बीच में एकदम अड़िग हम और अटूट रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में कोई भी समस्या से, हर समस्या से के बावजूद, हर समस्या के बीच में भी मैं रास्ता निकाल सकता हूँ। ये आपके अफर्मेशन होने चाहिए रेगुलर, समस्या आने के बाद भी और समस्या से पहले भी। लेकिन आपके साथ समस्या आ गई, समस्या में आप नेगेटिव हो गए, टूट गए, तो अफर्मेशन करने का भी मन नहीं करेगा। तो आपको पहले से ही सब करना है, यानी आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, तब भी आपको अफर्मेशन से माइंड को पहले से बना के रखना है। प्रॉब्लम आने से पहले माइंड को इतना मजबूत बना के रखना है, इतना स्ट्रांग बना के रखना है, इतना पावरफुल, इतना सॉलिड बना के रखना है कि कोई भी समस्या कभी आए आपका माइंड इतना ही बोलेगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या बोलना चाहिए? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, ऐसा संभव, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा कि समस्या आने से पहले आपने माइंड को इतना मजबूत बना के रखा है। अगर आपका मन कमजोर है, वीक है, कोई भी छोटी सी समस्या भी आएगी आपका मन टूट जाएगा, आप निराश हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो समस्या आने के बाद लड़ने की कोशिश करना ये तो जरूरी है। समस्या आई लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ हादसा हुआ, तो इससे लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, जितने भी ताकत है इतनी सब ताकत लगा के सब करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त आपके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी, इस वक्त आपका माइंड इतना मजबूत नहीं होगा कि आपका माइंड समस्या से लड़ सके। लेकिन जिसने भी माइंड को पहले से मजबूत बना के रखा है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे छोटी सी समस्या आ जाए, चाहे बड़ी समस्या आ जाए, वो पहले से तैयार है, उसको पता है समस्या आने ही वाली है, चाहे छोटी आ जाए, चाहे बड़ी आ जाए, हम तो तैयार हैं, आने दो जितनी भी आनी है, 1 आए 10 आए 50 समस्या आ जाए, हम तो तैयार बैठे हैं। तो वो लोग समस्या में टिकेंगे, वो समस्या में अड़िग हम रहेंगे, अटूट रहेंगे। समस्या में भी वो टूटने वाले नहीं हैं, बिखरने वाले नहीं हैं, उसको ना डिप्रेशन होगा, ना एंजाइटी होगी, ना इसको ना कोई फोबिया होगा, पहले से उसने माइंड को बहुत मजबूत बना के रखा है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, आपको भी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबको भी यही करना है
कि कोई भी समस्या के लिए हम वेट नहीं करेंगे, जिंदगी में हम समस्या का इंतजार नहीं करेंगे कि जब समस्या आएंगी इसके बाद कुछ करेंगे, इसके बाद अपने आप को खुद को मजबूत बनाएंगे, इसके बाद ही हम कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, इसके बाद ही हम लड़ेंगे। समस्या की हमें वेट नहीं करनी है कि आएगी तब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद एक ही चीज़ होती है, बस रोना रो, शिकायत करो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम तो बर्बाद हो गए, पूरी दुनिया यही करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समस्या से पहले ही वो तैयार हैं, इतने मजबूती से तैयार खड़े हैं कि चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, समस्या का कितना बड़ा तूफान आ जाए, वो अड़िग हम रहेंगे, अटूट रहेंगे, बड़ी से बड़ी समस्या भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि वो पहले से तैयार हैं, पहले से मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं। तो आज के समय में ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे ज़्यादातर लोग ऐसे है ही नहीं, पहले से मजबूत, पहले से स्ट्रांग, इसलिए लोगों को डिप्रेशन आ जाता है। छोटी सी बात हुई, मतलब ट्वेल्थ में है या कोई कॉलेज के एग्जाम दे रहा है, फेल हो गया, क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे, या कोई लड़का लड़की का ब्रेकअप हो गया तो सुसाइड कर लेंगे, किसी का लॉस हो गया, बिजनेस में पैसा लॉस हो गया तो सुसाइड कर लेंगे। मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मन से वो पहले से मजबूत नहीं है, पहले से इतने पावरफुल नहीं है, खुद को इतना पावरफुल नहीं बनाया, तो कोई मामला हो गया, यानी ब्रेकअप हो गया या फेल हो गए तो सुसाइड कर लेंगे। अगर वो पहले से अपने आप को ऐसा बना के रखते, चलो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हम एग्जाम में फेल हो सकते हैं, मैं एग्जाम में फेल हो सकता हूँ, मेरा ब्रेकअप हो सकता है, कुछ लॉस हो सकता है, अरे जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसी चीजें हो सकती हैं। आपकी लाइफ में भी, सबकी लाइफ में भी समस्याएं आ सकती है, किसी भी तरह की समस्याएं आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं। आपको कभी कोई समस्या पूछ के नहीं आएगी कि मैं आऊं, नहीं, आपको कुछ भी नहीं बताया जाता, कुछ भी पता नहीं चलता, वो अचानक आ जाती है, सडनली आ जाती है। और जो लोग तैयार नहीं है वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। जो तैयार हैं उसको रात को भी समस्या आ गई, प्रॉब्लम नहीं है, रात को भी तूफान आ गया, चलो ठीक है, तैयार बैठे हैं, झेल लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। जो तैयार नहीं है उसको ही टेंशन आ जाती है, अब क्या करेंगे, भागा दौड़ी करेंगे, हड़बड़ी करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम। इतना प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, जो मानसिक बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी लग गई, फोबिया हो गया, ये सब इसलिए हो रहा है कि व्यक्ति इसके लिए तैयार ही नहीं है, व्यक्ति ने खुद को समस्या के लिए तैयार ही नहीं किया है, लड़ने के लिए खुद को तैयार ही नहीं किया है, वो कैसे लड़ेगा, समस्या से पहले ही वो खत्म हो जाएगा। तो आजकल यही हो रहा है। तो आपको भी ये मेरा मैसेज है और सबको भी, कि अपने आप को पहले से इतना स्ट्रांग बना के रखो, इतना पावरफुल बना के रखो, इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल, इतना कॉन्फिडेंस बना के रखो कि समस्या जब भी आए आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये भी पता था हमें, ये होने ही वाला है, हम तो इसके लिए पहले से ही तैयार हैं। कोई भी समस्या से लड़ने के लिए तैयारी आपको ऐसे करनी है कि आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ही अपने आप को इतना मजबूत, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग महसूस करना है कि दुनिया की कोई भी समस्या आएगी तो आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही पॉजिटिव महसूस करेंगे। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या के बाद भी आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। ये सब आपको इमेजिन में प्रैक्टिस करके अपने आप को ऐसा बनाना है, और इसके लिए आपको बार 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 प्रैक्टिस करना होगा। ये हर रोज होगा, ये प्रैक्टिस हर रोज का है, जैसे आप हर रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ये हर रोज करते हैं। तो माइंड को मजबूती देना ये हर रोज का प्रैक्टिस होगा, ये हर रोज करना होगा। हर रोज सुबह में जागने के तुरंत बाद बेड में बैठे रहकर ये बताओ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, बहुत मजबूत हूँ, कोई भी समस्या का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, कोई भी समस्या मुझे हिला नहीं सकती, कोई भी समस्या मुझे तोड़ नहीं सकती, इतना मैं मजबूत हूँ, अड़िखम हूँ, अटूट हूँ। ये हर रोज अफर्मेशन खुद को देना है, खुद के सबकॉन्शियस माइंड में ये अफर्मेशन ट्रांसफर करना है। छोटा सा काम है, छोटा सा प्रैक्टिस है, बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन ये छोटा सा प्रैक्टिस आपको जिंदगी भर के लिए बहुत स्ट्रांग, पावरफुल, मजबूत बना के रखेगा। अगर आपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं दिया तो आपका माइंड दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा, समस्या में मजबूत नहीं रहेगा, टूटने वाले हो आप। तो ये सब इसकी प्रैक्टिस है, सुबह में और रात को सोने से पहले इतनी अफर्मेशन करके ही सोना है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, कोई भी समस्या कभी मुझे नेगेटिव नहीं कर सकती,
कोई भी समस्या कभी मुझे तोड़ नहीं सकती, मुझे हिला नहीं सकती, इतना मजबूत है मैं, इतना अड़िखम हूं। हर रोज बोलना है, बार बार बोलना है, सुबह में बोलो, रात को बोलो, दिन में कितनी भी बार बोलो, जितने भी बार बोलना इतना बोलो, बस इस तरह से बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समस्या मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकती। इस तरह से आपकी बात होनी चाहिए। हमेशा अपने आप को बहुत ही मजबूत बताना है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बताना है, खुद के माइंड को, सबको सीमेंट को यही बताओ, बहुत मैं स्ट्रांग हूँ, पावरफुल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद के साथ हमेशा इस तरह की बात होनी चाहिए। सिर्फ बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, ऐसा खुद को बना के दिखाओ, फिर देखो आपको क्या हासिल होता है आपकी ज़िंदगी में।